बीच बीच में लोग आ रहे हैं, घुस रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके पीछे हूँ। और सुनिए, ये पानी की बोतल है, यहाँ से यहाँ आने में 1.5 घंटा लगा है। महिलाओं के लिए अलग से लाइन नहीं लगा? नहीं, अलग से इधर है, 3 जेंट्स पे 1 लेडीज की लाइन है। अच्छा, 3 जेंट्स आ रहे हैं तब 1 लेडीज। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच और हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग। हम आपको दिखाने आए हैं, यहाँ पर टेस्ट हो रहा है, ये जानने की कोशिश हो रही है कि लोग पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। और यहाँ की हालत देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पे बैठने की कोई व्यवस्था नहीं, वहाँ पर लोग काफ़ी देर से खड़े हैं। अभी लोगों से ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि किस किस तरीके की समस्या हो रही है और कितने बजे से खड़े हैं और अभी तक क्या क्या हुआ है। लेकिन सबसे पहले जो आपको मैं दिखाना चाहती हूँ वो ये है, आप ये लोग लाइन में खड़े हैं और पता नहीं ये लोग अपने आप को सुरक्षित करने आए हैं या अपने आप को संक्रमित करने आए हैं। अच्छा ये बताइए भैया, आप लोग टीवी, रेडियो या ये सारी चीज़ें देखते हैं नहीं देखते हैं? इतने दिन से चिल्लाया जा रहा है 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, लेकिन आप लोगों ने मास्क तो पहना है लेकिन दूरी नहीं बनाई है। आप लोग अपना ही यहाँ दूरी बनी हुई थी, लेकिन कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है कि जो लोगों को प्रॉपर लाइन से लगाए। अच्छा। बीच बीच में लोग आ रहे हैं, घुस रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके पीछे हूँ। और सुनिए, ये पानी की बोतल है, यहाँ से यहाँ आने में 1.5 घंटा लगा है। आप बताइए, कल मैं आके लाइन में लगे लगे लौट गया, किट खत्म हो गई। आज मैं, अब यहाँ दूरी कौन बनाएगा? कोई एक आदमी होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल ना, सुरक्षा कर्मी, कि जो लोगों को लाइन से भेजे? कोई नहीं है। जो है जहाँ, और देखिए कल टेंट लगा था, आज टेंट भी नहीं है। 100 लगा था, उतार ले गया टेंट। अभी मैंने बात किया तो वो बोले कि हवा से गिर गया। हवा से गिर गया, कहाँ गया? सीढ़ी लगा के खोल खोल के 101 फीवर आ रहा है। इस फीवर में मैं जो है 2.5 घंटे से लाइन में लगा हूँ। कितने बजे से आप आए हुए हैं? मैडम मैं 12:30 बजे यहाँ आ गया था। अच्छा, आप लोगों के बीच में कोई कोई लग जा रहा है? कोई सुरक्षा कर्मी होना चाहिए ना जो लाइन में लगा है। जो आ रहा बीच में घुस जा रहा है, कहाँ काम जाके संभालेंगे? इसलिए मजबूरी हो गई सट के खड़े रहना कि किसी को आने नहीं देना है। जी आप कितने साल? कितनी बार की उम्र कितनी है? 42। अच्छा आप लोग कितने बजे से आके खड़े हैं और ये इतना सच सच क्यों खड़े हैं? 1:30 बजे से मैडम खड़े हम लोग। मास्क नहीं है आपके पास? नहीं, फिर लपेटे हुए हैं। आपका ये जो नाक है वो खुला है? नहीं खुला नहीं, सब लगा है। डर नहीं रहे हैं आप? नहीं डर तो है, डर रहे हैं तभी तो हम बांधे हुए हैं। देखिए इनका नाक ऐसे खुला हुआ है। अच्छा छोड़िए, आप कितने साल के हैं? 40 साल। कितने देर से खड़े हैं? 12 बजे खड़े हैं। अच्छा किस किस तरीके की व्यवस्था है यहाँ पर? कह तो रहे हैं बस, और क्या टेंट था वो भी उतार लेके गए हैं। जानते हैं कि 1 घंटे 1.5 घंटे पहले निकाल करने के लिए गए हैं। टेंट लगा हुआ था लेकिन 1-2 घंटे पहले निकाल कर लेके चले गए हैं सब। तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि क्यों ले जा रहे? अरे पूछा क्या है भाई, उनसे क्या पूछेंगे हम लोग? बताइए व्यवस्था, मान लीजिए धूप कम से कम छाव के लिए वो अंदर बोला गया कि वहाँ पर टेंट लोग लेके जा रहे हैं, वहाँ पे कंप्लेन किया गया तो बोला कि नहीं हमारा इतना ही टाइम था लगाने का, और अपना उखाड़ करके ठेले पे लाद के लेके चले गया। देखिए जनता धूप में जल रही है, क्या करें बताइए, अभी कोई चक्कर खा के गिर जाए ना तो पानी की व्यवस्था रहते छाए में, बताइए क्या करें। अभी वो बता रहे थे कि उनको इतना तेज फीवर है और सोचिए इतने धूप में, और जिनको बुखार नहीं होगा उनको भी होने की संभावना है पूरा। कितने बजे से खड़े हैं? हम तो करीब 1 बजे से खड़े हैं। 1 बजे बिल्कुल। देखिए यहाँ पर इतना तेज धूप में लोग खड़े हैं और कुछ लोग वहाँ बैठे भी हैं, खड़े खड़े थक गए होंगे। एक बात बताइए कि रोड पर मास्क के लिए चलान तो काटने के लिए हमारे प्रशासन के तमाम लोग हैं, लेकिन यहाँ पर लाइन की व्यवस्था कराने के लिए लोग नहीं हैं, ये भी एक सवाल है। सोचने की बात यह है कि मास्क पर 1000 रुपये काटा जाता है, ये भी सही है, काटना चाहिए, लेकिन ये भी देखने की ज़रूरत है जो यहाँ सुबह से खड़े हैं उनकी क्या, उनके लिए क्या व्यवस्था कर रही है सरकार? कितने बजे से आई हैं आप? अभी 1 घंटा हो गया मैम। 1 घंटा जी। किस तरीके की व्यवस्था है यहाँ पर, यह व्यवस्था है या दुर्व्यवस्था है? अब पब्लिक है, एक पे एक चढ़ी है मैडम, और क्या है, पब्लिक चढ़ी है। अच्छा महिलाओं के लिए अलग से लाइन नहीं लगा? नहीं अलग से इधर है, 3 जेंट्स पे 1 लेडीज की लाइन है।
अच्छा, तीन जेंट्स आ रहे हैं तब एक लेडीज, एक लेडीज का नंबर आ रहा है। हाँ। टेंट लगा था वो भी उतार ले गया। हाँ। उसी भीड़ में उसकी धूप में हम लोग खड़ा होकर के लाइन 12 बजे से लाइन लगाया है। हाँ, उसके बाद जी अभी कहाँ हुआ, नंबर आए, अब नंबर आएगा तो जाँच होगा, रजिस्ट्रेशन हो गया है। 11 बजे लगे थे, 12 बजे जी, और अभी कितना बज रहा है? अभी 3 बज रहा होगा, नंबर लग गया होगा जाँच होने का। हाँ, जाँच का नंबर लग गया है, जाँच का नंबर लग गया। सुबह 11 बजे से आए हैं और अभी 4 बजने के आसपास, 4 बज रहा होगा मान लेते हैं मोटी मोटा, और अभी तक जांच नहीं हो पाया है। सोचिए, कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन हो गया, इसी में आप जी जी दो टेंट लगा था और सारे लोग इतने धूप में चक्कर आ करके गिर गया, कितने लोग तो गिरे थे, यहीं लेटे थे, अभी चले गए सब लोग। क्या करेंगे, संख्या ज्यादा है ना, मरीजों की संख्या ज्यादा है, दो तीन काउंटर बढ़ाना चाहिए जी, चाहिए तो प्रशासन बिल्कुल कर चाहिए, सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं, नहीं ये जैसे किसी चीज़ को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बार बार मेरा ध्यान वहीं जा रहा है क्योंकि सुन सुन के हम परेशान हैं, क्योंकि एक लाइन जो बार बार हमारे कानों में आ रही थी वो ये कि 2 गज दूरी मास्क है ज़रूरी, बार बार मेरा ध्यान वहीं जा रहा है और मुझे बार बार टोकने का मन कर रहा है कि आप लोग 2 गज दूरी क्यों नहीं मेंटेन कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि जब दूरी बना रहे हैं तो कोई बीच में आके लग जा रहा है, और ये कह रहा है कि हम सुबह से आए हुए थे। यहाँ की हालत देखिए कि धूप में इस तरीके से लोग खड़े हैं और कह रहे हैं कि एक टेंट था तो आके वो भी लेके चले गए। तो सोचिए कि हमारी सरकारों ने एक साल में यही तैयारी की है कि सुबह 11 बजे से आप खड़े रहिए और शाम का 3 या 4 बजने जा रहा है लेकिन जांच नहीं हो पा रही, और लोग मजबूरी में वो 2 गज दूरी वाला जो टैगलाइन आपने चलाया था लोग पालन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई खड़ा नहीं है वो लाइन देखने के लिए कि कौन खड़ा है और कौन बाद में आके लग रहा है। तो लोग क्या करें, लोगों को लग रहा है कि ज़्यादा देर धूप में खड़े रहने से अच्छा है कि बीच में गैप कम कर दिया जाए कि लोग बीच में ना आए, इस तरीके से यहाँ पर समस्याएं हैं। और देखते हैं, 12:30 बजे आए थे, मैं अभी निकला हूँ, 3:45 हो रहा है अब, फिर 12:30 बजे आए थे जी, कल मैं आया था लौट गया था, अब अभी 3:48 हो रहा है और अभी मैं नंबर नोट करके आया हूँ। एक सिक्योरिटी मैन होता, एक थोड़ा यहाँ कुछ छाँव होती तो कितनी सहूलियत होती, आप सोचिए कितने बीमारी में आदमी निकल नहीं पा रहा है और यहाँ जो है 3-3 घंटे लाइन में लगा हुआ है। शुरू कर दिया। आपको कितना फीवर है? हमको मैडम 101 था, सुबह 11 बजे नापे थे। हाँ। फिर हम काल पाल खा के चले आए थे, जाँच कराना भी जरूरी है। हाँ हाँ, कल भी लौट गए, आज भी लौट गए, नहीं कर रहे बिना ये जाने कि आप पॉजिटिव हैं। हाँ हाँ, फिर कोई इमरजेंसी हो जाएगी तो 3 दिन बाद रिपोर्ट हम लाएंगे, 3 दिन तो बहुत होता है। सोचिए कि 100 बुखार होने के बाद एक इंसान धूप में इसलिए खड़ा है क्योंकि अगर आगे जाके इमरजेंसी होती है तो डॉक्टर एडमिट नहीं करेगा, क्योंकि आप अगर पॉजिटिव या नेगेटिव का रिपोर्ट ले जाकर उनको नहीं दिखाएंगे तो उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि एक इंसान बीमार है। इस तरीके की यहाँ पर नहीं है, ये कहिए कि इस तरीके की हालत बन गई है हमारे देश में कि इंसान ऐसे मजबूर है वहाँ खड़े होने पर। और बार बार मैं यही कह रही हूँ कि एक तिरपाल लगा हुआ था उसको उखाड़ के लेके चले गए, लोग कहते रह गए कि छोड़ दीजिए, तो उन्होंने कहा इतने ही दिन का पैसा था लेके जा रहे हैं, तो सरकारों के पास अब एक तिरपाल लगाने का भी पैसा नहीं रह गया है। और ये यहाँ पे हालत तो मुझे नहीं समझ आ रही है कि मैं आगे क्या बोलूँ। ये ज़मीनी हकीकत देखकर आपकी क्या राय बन रही है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। आखिर मैं यही कहूँगी कि साल भर की तैयारी इतनी ही रही कि लोग धूप में खड़े रहेंगे और अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे, सुबह 10 बजे से आकर शाम को 4 बजे तक सिर्फ यही सोचते रह जाएंगे कि रजिस्ट्रेशन हो जाए और जांच हो जाए, वापस सही सलामत घर पहुंच पाएँ। लेकिन ऐसी हालत देख के मुझे नहीं लगता है कि जो लोग यहां पर सही भी होंगे जो वो भी सही वापस जा पाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग इसमें संक्रमित भी होंगे और जो लोग सही होंगे वो अपना यहां से संक्रमण ही लेकर वापस जाएंगे। ऐसा कहने पर मुझे कोई हिचक नहीं है क्योंकि यहाँ की हालत यही कह रही है। यहाँ की ज़मीनी हकीकत देखकर बहुत दुख हो रहा है कि हमने साल भर में इतनी तैयारी की कि आज भी लोग इस तरीके की दुर्व्यवस्था झेल रहे हैं। मैं पल्लवी राय, आप देख रहे थे भारत एक नई सोच।